हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 8th लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का जो चैप्टर 11 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो उसके एक्सरसाइज 11.4 का स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम 11.1 एंड 2 एंड 3 को ऑलरेडी स्टडी करा चुके हैं। इवन हम इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज उनकी स्टडी करा चुके हैं। अगर आपको किसी भी बुक की इस बुक की किसी भी एक्सरसाइज को वॉच करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें से आप ठीक है हर चैप्टर की एक्सरसाइज को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, अब दोस्तों को शेयर करने से फ़ायदा ही है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त हैं बेटा, वो किसी और के तो है नहीं, बेचारे वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको भी पढ़ने को मिल रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लाइक करो वीडियो को जल्दी। स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनको हमें बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो देखो आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर को सर चीटिंग करके बता रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ बच्चे जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता हूँ तो लिख नहीं पाते कि ट्रू है फॉल्स है, तो उनके लिए लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। ऑल क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल। क्या सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं हो सकते। ठीक है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है, जबकि सभी क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल 90 नहीं होता है। नेक्स्ट है द रोम्बस आर काइट्स। क्या रोम्बस काइट हो सकते हैं? तो बिल्कुल रोम्बस काइट हो सकते हैं, क्योंकि काइट होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान देना, काइट होने के लिए सिर्फ ये दोनों साइड जो है, मतलब जिनको एडिसेंट साइड कहते हैं, इक्वल होनी चाहिए, मतलब आगे के दोनों इक्वल, पीछे के दोनों इक्वल। ठीक है, तो कि ऐसा जो है रोम्बस में होता ही है, तो इसलिए रोम्बस काइट है। नेक्स्ट है ए पैरोग्राम आर ट्रेपेज़ियम। क्या एक पैरोग्राम ट्रेपेज़ियम हो सकता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, पैरोग्राम ट्रेपेज़ियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैरोग्राम जो होते हैं उनमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रेपेज़ियम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सम स्क्वायर्स मे बी रेक्टेंगल। क्या कुछ स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं? ठीक है, तो कुछ स्क्वायर्स जो होते हैं ना वो रेक्टेंगल नहीं हो, सम स्क्वायर्स मे नॉट बी रेक्टेंगल। तो देखो सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, जो कि स्क्वायर में होती है। रेक्टेंगल होने के लिए ईच एंगल 90 चाहिए, जो कि स्क्वायर में होता है। तो सारे जो स्क्वायर हैं वो ऑलरेडी रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देख रहे हैं सम रेक्टेंगल्स मे नॉट बी स्क्वायर। क्या सम रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर नहीं होते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेक्टेंगल तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो भैया चारों साइड इक्वल चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल में कहाँ होती है चारों साइड इक्वल? रेक्टेंगल में तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये तो बात जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये सही है, काइट की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ये वाली और ये वाली। नेक्स्ट है, नहीं यार, नेक्स्ट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेज़ियम आर इक्वल। ट्रेपेज़ियम का जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं क्या? तो ट्रेपेज़ियम जो होता है ना उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो फॉल्स है। काइट के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वाला फॉल्स कर देना। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, फॉल्स है। अब आगे देख रहे हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाई गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो एक क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वलेंगर बट नॉट इक्वलेटरल, मतलब एंगल इक्वल होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, बट वो इक्वलेटरल क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, तो वो है रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90-90 होते हैं रेक्टेंगल में, बट इक्वल एंगल होते हैं साइड नहीं होती है, तो रेक्टेंगल आ जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इक्वलेटरल है बट नॉट इक्वल एंगल, तो वो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, बट रोम्बस में एंगल इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वलेटरल एज वेल एज
इक्वल एंगल, मतलब जो इक्विलैटरल हो और इक्वल एंगल हो, मतलब एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो तो वो स्क्वायर है। इक्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, मतलब इक्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इन 90 भी इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपका रोम्बस है और स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस के भी 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के जो होते हैं वो भी 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक मिनट, ये वाले 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है इक्वाड्रिलेटरल विच इज पैलोग्राम, मतलब जो पैलोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो है आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है पैलोग्राम विथ ईच एंगल 90 तो वो रेक्टेंगल है। नेक्स्ट है इक्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स पैलर एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो वो ट्रेपेज़ोइडल है। नेक्स्ट है इक्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो वो पैलोग्राम है। तो ये क्वेश्चन वन और टू हो चुका है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो इसकी साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखो ये रोम्बस बनाया है मैंने, ठीक है, डायगोनल्स ये वाला 8 का है, ये वाला 15 का है तो उसकी साइड फाइंड करनी है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो आधा पार्ट है, मतलब ये, ठीक है, एक मिनट रुको, ये पूरा 8 का है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा 15 का है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5, मतलब 7.5, यहाँ से लेकर 7.5, ठीक है। और हर पार्ट एक ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है, ये वाला भी ट्रायंगल है, तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल जो है आपके राइट ट्रायंगल है क्योंकि 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाली साइड आपके हाइपोटेनस है, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल लेके हाइपोटेनस साइड फाइंड कर लो तो वो आपके रोम्बस की साइड आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि ओ सी बराबर 4 है, ठीक है, ओ सी 4 है और ओ बी जो है आपकी वो 7.5 है। तो हम ये बी सी निकाल लेते हैं, मतलब ये हाइपोटेनस साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम कर देंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 7.5 का स्क्वायर होता है आपका ये, 4 का स्क्वायर होता है आपका ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इसका हम अंडर रूट करेंगे क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट होता है आपका 8.5, तो यानी कि साइड जो है आपकी 8.5 आ जाएगी, ठीक है। बी सी 8.5 आ गई तो सारी साइड 8.5 की होती है क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, तो साइड ऑफ रोम्बस बी सी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको रेशो ऑफ टू साइड्स का रेशो दे रखा है, 3:4 है और पैरामीटर 98 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दो साइड का रेशो है 3:4। अब देखो लेट्स साइड्स आर, हम मान लेते हैं कि ये 3x है, ये 4x है, दोनों साइड मान ली। पैरामीटर जो है 98 है तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रिप्थ, ठीक है। लेंथ लिख दी, ब्रिप्थ लिख दी, इक्वल टू 98, ठीक है। इन दोनों का ऐड किया तो 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x इक्वल टू 98। एक्स वैल्यू निकालेंगे तो 98 में 14 से डिवाइड देंगे तो एक्स वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। एक्स वैल्यू 7 आ गई, मतलब ये वाली साइड निकालेंगे तो 3 × 7 करेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे तो 4 × 7 करेंगे, ठीक है। तो ये वाली साइड 28 का आ जाएगी और ये वाली साइड 21 की आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू, मतलब कि हमारी लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है, हमें इसमें हाइपोटेनस निकालना है, तो यानी कि हमें डायगोनल्स निकालना है। ये लेंथ है, ये ब्रिप्थ है, यानी कि ये वाली पार्ट निकालनी है हाइपोटेनस की, ये डायगोनल्स हो जाती है। तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। पी है आपका 28 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 7 8 4 होता है, 21 का 4 4 1 होता है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका 35 आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली साइड ये 35 आ जाएगी आपकी, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें अनो क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है, आर ई एस टी एक रोम्बस है ये वाला। तो देखो इसमें क्या करना है, अनो क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है एक्स माइनस 25 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है 2x माइनस 90 डिग्री का है, इन दोनों के इक्वल कर देंगे। ये वाला एंगल 3y + 20 का है, ये वाला y + 100 का, तो इन दोनों को भी इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारी अनो क्वांटिटीज आ जाए। तो मैंने लिखा है अपोजिट एंगल्स ऑफ पे रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दो, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, 90 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 90 आ जाएगी, ठीक है। 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 65 आ जाएंगे,
और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी 65 डिग्री आ चुकी है। अब ऐसे ही हम बाकी के एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम एंगल जो एस है वो फाइंड कर लेंगे। एंगल एस जो था वो आपका एक्स माइनस 25 था, तो एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो एंगल एस की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, ठीक है। और एंगल आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये भी 40 आ जाएगी। आगे देखो सिमिलर हम इन दोनों को भी इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब एंगल बाई की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, तो मतलब एंगल ई जो है, ठीक है, ये इसका है, तो इसमें एंगल ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपकी एल ई मतलब एंगल जो ई है वो 140 डिग्री का आ जाएगा, और एंगल टी भी आपका 140 का आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही दो दो एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ई अगर 140 का आ गया तो वो सामने का एंगल ही तो 140 का आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप नोट कर लो एक बार, यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लो इसका या फिर लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज ए रेक्टेंगल, और बता रखा है कि जे जो है पॉइंट है इंटरसेक्शन डायगोनल्स का, और जे एफ बराबर ये दे रखा है, ए जी बराबर ये दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया, ये दोनों डायगोनल्स हमें दे रखे हैं, डायगोनल्स दे रखे हैं, नहीं जे एफ दे रखा है, जे एफ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है हमें एफ जे की वैल्यू, ये दे रखी है। अब देखो एक्चुअली ये दोनों डायंगल्स इक्वल है, ठीक है, और इनके जो ये पार्ट है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब चारों पार्ट इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, सो देयर पार्ट्स आर सो इक्वल, मतलब ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो इनके पार्ट भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वल में लिख दिया, फिर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे। तो देखो 8x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में जाएगा, ये आ गया, और 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में जाएगा, ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 16, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12/16 यानी कि 3/4, ठीक है, 4 से कट जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 3/4 आ गई। सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इन ए रोम्बस एस यू आर ई, एस यू इक्वल टू ये है, ओ इक्वल टू ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायंगुलर एस आर, ठीक है, ये एस आर की लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो एस ओ ई ट्राइंगल को देखते हैं, हम एस ओ ई ट्राइंगल में देखते हैं ये वाली जो एंगल, ये वाला एक मिनट रुकना, ये वाली साइड 3 की है, ये वाली साइड 3 की है, तो ये भी 3 की होगी, और हमें अच्छा तो एक मिनट रुको, ये वाली साइड जो है हमें 5 की दे रखी है, क्योंकि ये 5 की है तो सारी साइड 5 की होगी। तो ऐसे ही ट्रायंगल में हम देखते हैं ऐसो, ये वाली 5 की है तो 5 पुट कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ऐसो हमें पता नहीं है तो ऐसो की जगह ऐसो ही लिखेंगे, वही हमें पता है 3 का है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका ऐसो आ जाएगा 4 का, ठीक है। ऐसो ये जो ऐसो है ये 4 का आ गया, ऐसो 4 का आ गया, तो ये भी 4 का होगा, ठीक है, तो टोटल 8 का आ जाएगा एस आर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एसओ इक्वल टू ओ आर, ठीक है, तो ओ आर भी 4 का हो जाएगा। अब ओ आर 4 का हो गया तो एस आर कितने का आ जाएगा, 4+4 यानी कि एस आर जो है आपका 8 सेंटीमीटर का आ जाएगा। चलो ये हो गया आपका 7, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेंटागॉन है ए बी सी डी ई, और एक स्क्वायर है ए बी एफ जी, ठीक है, मतलब पेंटागॉन से अटैच है स्क्वायर, और फाइंड बी सी एफ, ठीक है, इसमें बी सी एफ निकालना है। तो देखते हैं इसका डायग्राम। तो देखो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा होगा, ये आपका पेंटागॉन है ए बी सी डी ई, और इस पर आपका ये वाला स्क्वायर है, ठीक है ना, तो डायग्राम ऐसा होगा। और यहाँ पर पहले हम देखो एफ और सी को मिला देते हैं, तो ये वाली डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। अब हम सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला एंगल, ठीक है, एफ बी सी, तो एफ बी सी, एक मिनट रुको भाई। चलो पहले पेंटागन को देखो, पेंटागन के ईच पेंटागन के ईच एंगल का सम कितना होगा, ईच एंगल कितना होगा, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है,
तो ईच एंगल मतलब हर एंगल जो है 5 का डिवाइड दे देंगे, 108 का आ जाएगा, मतलब ये वाला एंगल 108 का आ गया। ठीक है, ऊपर तो स्क्वायर है तो ये 90 का होगा। ठीक है, तो 90 और 108 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 108 करेंगे 90 को करेंगे 198 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दो दोबारा कि ये वाला एंगल 90 का है, ये 108 का आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 360 में से 90 प्लस में 108, ठीक है ना, ये जीरो नहीं है, 108 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 198 आ जाएगा। 360 में से 198 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 आ जाएगा, मतलब FBC। ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला, ये FBC, ये आ गया आपका 162 डिग्री का। ठीक है, FBC निकाल लिया हमने। अब FBC निकालने है तो ध्यान देना कि ये दोनों साइड जो हैं इक्वल होंगी, FBC जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो आपका दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने लिख दिया है, सब प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें कि FBC, BCF और BFC ये तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो 180 होगा तो हमें एक का तो हमने अभी फाइंड कर लिया है FBC का। ठीक है, FBC की जगह FBC की वैल्यू पुट कर देंगे 162, 162 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इन दोनों का सम जो है आपका 18 डिग्री आ जाएगा, मतलब दो एंगल मिलके 18 डिग्री है। अब ध्यान देना ये दोनों एंगल्स तो जो है इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट मतलब ये आइसोस्केल जो ट्राइंगल है उसकी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे, साइड इक्वल है तो ट्राइंगल वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो 99 डिग्री का जाएंगे, ये भी 9 का, ये भी 9 का। ठीक है ना, तभी तो 18 होगा। तो मैंने नीचे लिख दिया है FBC इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल, सो FB इक्वल टू BC, मतलब FB और BC साइड इक्वल होगी तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, सो BFC, ठीक है, BFC भी 9 का हो जाएगा और BCF ये भी 9 का हो जाएगा, दोनों 9 के इक्वल हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका 8, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है एक्सप्लेन हाउ इज ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर कैसे एक पैरोग्राम है, स्क्वायर कैसे एक रोम्बस है, स्क्वायर कैसे एक काइट है, तो ये आपको समझाना है। ठीक है, समझाएंगे इसको भी, पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है, तो उसका रीज़न है बिकॉज इट हैज़ ऑल द सेम प्रॉपर्टी एज ए रेक्टेंगल हैव, मतलब स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो रेक्टेंगल में होती है। कैसे, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक अपोजिट साइड से इक्वल होती है तो वो तो स्क्वायर में होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की ईच एंगल जो है 90 होता है तो वो तो स्क्वायर में होता है, यानी कि स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए एक स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक स्क्वायर पैलोग्राम है या नहीं है, तो बिल्कुल है। और कैसे है, क्योंकि पैलोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स क्या चाहिए, इक्वल चाहिए और पैलर चाहिए, वो तो स्क्वायर के पास होती है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैलर होती है, तो हुआ ना एक स्क्वायर पैलोग्राम। अब एक स्क्वायर रोम्बस है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि रोम्बस को इक्वल साइड चाहिए चारों, वो स्क्वायर के पास होती है कि नहीं है, तो स्क्वायर रोम्बस है। आगे है काइट, एक स्क्वायर एक काइट है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि काइट को क्या चाहिए, अपनी जो एडजेसेंट साइड मतलब आगे की दो साइड इक्वल चाहिए, पीछे की दो साइड इक्वल चाहिए, तो वो स्क्वायर के पास होती है। ठीक है ना, इसलिए काइट भी क्या है, एक रोम्बस मतलब एक वो स्क्वायर भी एक काइट है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 9, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। HOT हॉट्स, तो ये दे रखा है डायग्राम और आपको फाइंड क्या करना है, आप तो उस पर फोकस करो, पेरीमीटर ऑफ स्मार्ट मतलब इस पूरे फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा समझो ध्यान से, ये 60 है, ये 60 है गिवन हमें, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये भी 60 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हो गया 120, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 60 आ गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल जो ऊपर बन रहा है ये वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इस तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। अब ये दोनों साइड 5-5 की हैं, तो मतलब ये तीसरी साइड है ये भी 5 की आ गई, और ये जो साइड है वो क्या है, स्क्वायर की साइड है, इसका मतलब स्क्वायर की साइड भी 5 आ गई। ठीक है, तो ये सारी साइड भी 5 की आ गई। ठीक है, तो अब सोच लो ये भी 5 की है, 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 तो सबको ऐड कर लो, 25 आ जाएगा आंसर। बस सिंपल से क्वेश्चन है, तो मैंने सभी चीज़ें लिखी है कि MST इक्वल टू, पहले तो ये MST निकालते हैं, मतलब ये वाला एंगल निकालते हैं सबसे पहले, तो ये 60 डिग्री का आ गया। अब मैंने वो भी लिखा है, इट मीन्स ट्राइंगल MST इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिल्कुल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन
ईच साइड ऑफ एम ए आर टी, मतलब एम ए आर टी की साइड जो है वो भी 5 की होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये साइड अगर 5 की होती है भी 5 की होगी, ठीक है। और 5 की होगी तो फिर पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है। पेरीमीटर निकाल लिया, इसकी जो 5 साइड है वो लिख दो, एस एम प्लस एम ए प्लस ए आर प्लस आर टी प्लस में टी एस, ठीक है। चारों पाँचों जो साइड है वो लिख दो और इनको ऐड कर लो, 25 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट है। और